अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल के डी व्लॉग्स एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। एच डी व्लॉग तो बहुत पुराना है, मतलब 6 दिन पुराना है। 14th of August को ये था शाम 7 बजे का टाइम, और जब मुझे स्कूल से मैसेज रिसीव हुआ कि बच्चे जो हैं वो कल ग्रीन शलवार कमीज़ में आएंगे, तो मेरी मजबूरी थी घर से बाहर निकलना, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं निकलती काफ़ी दिन टाइम से ही, मतलब दिनों से कह रही हूँ, काफ़ी सालों से ही। मतलब मुझे जो है ना वो 14th of August हो गया या ईद मिलादुन्नबी हो गया, ऐसे डेज से मैं बहुत कम निकलती हूँ। हाँ जी, बहुत जाती थी जब अपने अब्बू के साथ जाती थी, स्पेशली बाहर निकला करते थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों, अमना को भी एक दो मरतबा लेके गए, लेकिन अब काफ़ी 2-3 साल से जो है वो हम नहीं जाते, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं, इतना रश होता है बाहर कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और कुछ फैमिली वाला माहौल ही नहीं होता बाहर। खैर जी, बस ये मुझे मजबूरी में बाहर जाना पड़ा। घर आए हैं, घर आके जो था ना वो किया मैंने, इस साल सिर्फ, हर साल लेती हूँ, लेकिन इस साल जो था ना वो मैंने कोई भी ऐसे ग्रीन ड्रेस वगैरह का सीन नहीं रखा था, नहीं तो लाजमी करते होते हैं, वो शौक से करते हैं। खैर जी, मैसेज आया तो फिर मुझे भागना पड़ा कि भी मुझे अब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो शॉप्स पे मैंने मिनी मार्नर्स पे देखा, ग्रीन था लेकिन वो अमना का साइज़ नहीं था, और इसके अलावा मैं किसी और शॉप पे गई नहीं, और बस फिर मैंने ये जो बाहर स्टॉल लगे हुए थे उन्हीं से जो था वो 2 ग्रीन शर्ट्स और फ्लैग्स वगैरह ख़रीदे हैं। घर आए हैं, खाना बनाया, पुलाव बनाया। हाँ जी, सब ने खाना खा लिया, बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि एसी की वजह से हमें बेडरूम्स में नहीं, सिटिंग में ही जो हमारा जो एसी चल रहा होता है, तो वहाँ पे ही बच्चों को जो था वो सुलाया है। लेकिन क्या था, एकदम से याद आया कि मेडिसिन टाइम करना है, और जैसे कि बच्चों के गले ख़राब थे, बहुत ज़्यादा गले ख़राब हुए हुए थे, और एंटीबायोटिक्स का इन्होंने जो था ना वो अपना कोर्स भी कर लिया था, लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा था, और सुबह स्कूल था, और बस जी बस बहुत टेंशन थी कि बच्चों का दिन कैसा गुजरेगा। तो जी, हो गई है सुबह 15 अगस्त की, और 15 अगस्त को मॉर्निंग में बच्चों के ये आयरन कर दिए हैं, और मैंने सिर्फ शर्ट्स खरीदी थी, और मुझे वो भी बिल्कुल स्टफ़, इतना गंदा स्टफ़ है ना, और इतना कलर निकला, बच्चे जब पहन के स्कूल से घर आए हैं तो ग्रीन ही हुए हुए थे सारे ना, और वाइट टाइट्स की तो कोई हालत ही नहीं थी। अच्छा, आमना क्योंकि स्कूल में भी वाइट टाइट्स चलती हैं, तो फिर मेरे पास वाइट टाइट्स आमना की 3-4 हैं, और कहा था कि चलिए टाइट्स की ज़रूरत नहीं है तो खाली शर्ट ले लेती हूँ। तो बस ऐसी कुछ तैयारी की कि उन्होंने कहा था कैप भी हो, और वहाँ पर पता चला कि कैप्स नहीं पहने दी क्योंकि बॉयज़ को पहनाई उन्होंने, और वाइट ग्रीन पेंट्स वगैरह मैं देख रही थी आमना की कौन सी हैं, और बस जी ये तैयारी करवा के और बच्चों को कर दिया रेडी स्कूल जाने के लिए, और वो भी बस एक्साइटेड थे कि 14 अगस्त है, तो क्या, तो अभी तक तो मुझे स्कूल से कोई वीडियो, मतलब कुछ भी ऐसा इवेंट होता है तो स्कूल से वीडियो व्हाट्सएप शेयर कर देते हैं ना वो, तो वो तो नहीं की उन्होंने। और ये मेरी बेटी अभी भी बेबी पाउडर यूज़ करती है, और जी बस अब रेडी हैं, और निका थोड़ी साइड भी हैं, और फर्स्ट डे था बच्चों का तो स्कूल छोड़ने जाना था, कोई नेकलेस कुछ भी नहीं ख़रीदा, तो हम ना बहुत बोल भी रही थी कि आपने मुझे नेकलेस, क्योंकि मुझे मिला ही नहीं, इयररिंग्स मिले थे तो वो भी हम आते गए थे, इतना मैं चोर नहीं करना बच्चों को, तो कोई नहीं इतने बड़े बड़े इयररिंग्स पहनने, तो नेकलेस हमने देखा था, और फिर ना अंधेरा इतना हो गया था, हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, और फिर कुछ वो रैली भी थी उनकी, कौन से लबैक जो हैं, एक तंजीम कह रही हूँ, कौन है, एक पार्टी जो है, तो उनकी थी, तो फिर रश बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर हमने घर आने की ही की थी। खैर जी, मौसम भी बहुत प्यारा था उस दिन, और ये अब सुबह के टाइम है, बच्चे जा रहे हैं, डस्टबिन बिल्ली गिरा गई है, और जी बस मैं नहीं गई थी, लेकिन बाकी सब जो थे वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गए थे, सिंपल सिंपल बच्चे बस, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, और कहती हैं कि जब हम घर आएँ तो एसी लगा होना चाहिए, एसी नहीं बंद होना चाहिए। बच्चों को माशाल्लाह अब इतनी आदतें बिगड़ चुकी थी उनकी पूरी छुट्टियों में, तो अब जब हम घर आएँ तो एसी लगा हो, पता नहीं स्कूल में एसी लगा होगा कि नहीं। खैर जी, आमना चली गई, निका चली गई स्कूल, और फिर उसके बाद मैं यहाँ चीज़ें देख रही थी इनके के क्या क्या जो है वो करना है अब मज़ीद काम। हम आज को चाय विधि नाश्ता वगैरह करवाया और वो चले जाते हैं साथ ही फिर आमना को स्कूल छोड़ने के। मैंने कहा चले मैं कुछ काम जो है वो कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने कहा कि चले अगले दिन के लिए इनका दोनों का मैं यूनिफॉर्म भी आयरन कर लेती हूँ, वो किया है, और इसके अलावा आमना अभी तक फीडर पीती हैं, शायद कोई कह सकता है जी आमना अभी तक फीडर क्यों पीती हैं, तो ये था कि अनिका को जब फीडर का कहा ना, ये पहले मैं आपको बताऊं कि ये आयरन स्टैंड पे आमना ने जंप किया, और मुझे इतनी मुश्किल हुई है कपड़े आयरन करने के लिए कि मेरा स्टैंड जो था ना उसकी कमर तोड़ दी उन्होंने, तो अभी मुझे नया लगवाना पड़ेगा काम, लेकिन देखते हैं कि वो कब होता है।
तो साथ ही जी हम आज जी के भी कुछ दो तीन शर्ट्स आयरन कर दिए। और उसके बाद मैं किचन में आई हूँ, और उससे पहले पता नहीं मैं क्या बात कर रही थी, तो मैंने बात ही चेंज कर ली, चले मुझे भूल गई है। तो अब ये था कि किचन में आई थी, बच्चों ने कहा था कि हमने आके चिकन बोटी खानी है, और वो इन्हें कभी कभी बना देती हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से नहीं बना के दी थी। अब तो पता है अब स्कूल है तो बच्चों के फरमाइशें भी बहुत लाड भी देखने पड़ते हैं, और ये है कि हम मैं ये समझती हूँ कि जब आप के बच्चे पढ़ रहे होते हैं या आप बच्चों से कुछ डिमांड करते हैं, तो बच्चों का जो है ना वो खाना उनकी पसंद का होना चाहिए। जब आप बच्चों से चाहते हैं कि हमें आप ऐसे चाहिए, हमें आपसे ऐसा रिजल्ट चाहिए, या हमें ये अच्छी हैबिट्स हैं, हम चाहते हैं कि ये आप हैबिट्स जो हैं वो इन्हें अपना लें, तो हमें भी उनके पेट का ख्याल रखना चाहिए, उनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए बच्चों के उनकी बैली फुल हो ताकि बच्चे अच्छे रिस्पॉन्सिव हों। खैर जब स्कूल से उन्होंने आना था और इसी जी चल रहा था, और ये मैं उनकी चिकन बोटी थी बस जल्दी जल्दी में बना दी थी। अस्सलाम वालेकुम। आहो कैसी कूलिंग है, ओए होए ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, सांस नहीं आ रहा था। ओहो लाइट गई हुई थी स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम। इतना सैड बच्चा आया मेरा, उसका हाथ आ गया था। ओए होए कौन से स्कूल में दरवाजे आ गया था। हाँ ब्राउन हाँ जी, मैं किसी कर लेती हूँ। पेंटिंग भी दिखाए, फेस पेंटिंग भी दिखाए, फेस पेंटिंग रो रो के बिगाड़ दिए। ये लीजिए इतने थके आए हैं कि अनिका को कुछ नहीं पता कि शूज़ कहाँ उतारने कैसे उतारने, और बस सब कुछ भूल के जो थी ना वो सोफे पे आई हैं और लेट गई हैं कि मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, बहुत स्वेटिंग हुई है हमें स्कूल में। और अनिका की आमना की भी इतनी ज़्यादा शिकायतें थी स्कूल के लिए, और वो कही थी कि बस ये कपड़े किस तरह से उतार दें, ये बैज उतार दें, और अपनी डायरी दिखा रही थी कि आज जो था ना वो गलती से इनका फीस वाउचर या चलान फॉर्म जो था ना वो आ गया था घर, और उसमें इन्होंने डायरी लिखी थी, टीचर ने स्टार दिया था कि आपने डायरी बहुत प्यारी लिखी है, और इनकी टीचर का नाम है मिस बुशरा। बस स्कूल की ढेरों ढेर बातें थी, और उसके बाद जी आपने कहा था कि बोटी बना के दूंगी, तो जी वो बोटी जो है वो बनानी है। अच्छा मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हों, मेरा मकसद बताने का ये है, शायद मैं एक्सप्लेन ना कर सकी हूँ तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि बात सिर्फ इतनी है कि आप जो भी अपने बच्चों को खिलाएं ठीक है, उनका पेट फुल होना चाहिए, स्कूल में उनको नींद नहीं आनी चाहिए, और घर आकर भी जब उनका स्टडी टाइम है तो उसमें भी बच्चे पूरा अच्छा रिस्पॉन्स करें, अपने टीचर से अच्छा कम्युनिकेट कर सकें, और क्लासरूम में आपके बच्चे डल नहीं लगने चाहिए। तो बस ये वजह है कि अगर बच्चों की बैली भी फुल ना हो, अगर उनकी टमी हैप्पी ना हो, तो बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते। तो अगर आप टीचर से कभी पूछते ना क्लासरूम बिहेवियर का और इस तरह से, तो ये भी बहुत सी रीज़न्स होती हैं, बच्चे नाश्ता करके नहीं जाते, और या उनकी डाइट बहुत कम हो जाती है, या बाज़ बच्चे गर्मी में नहीं खा सकते, तो इस तरह की चीज़ें। अब स्कूल में तो पूछा था तो उन्होंने कहा था जी जनरेटर चल रहा है, लेकिन फ़ैन, बच्चे बता रहे थे कि फ़ैन ऑफ था। एनीवेज वीडियो करते हैं यही एंड, और यही हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन थी, और यही बैक टू स्कूल व्लॉग था हमारा, तो मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी उस दिन, और बस वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा।